गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज हम बीएससी थर्ड ईयर में बायोलॉजी ऑफ कोर डेटा इसके अंदर जो सेकेंड यूनिट है थर्ड यूनिट के अंदर हमने अब तक जो पढ़ा है वो स्केल्स के बारे में, फिन्स के बारे में और फिश माइग्रेशन के बारे में, यानी हमने टू लेसन्स उसमें कंप्लीट कर लिए हैं, टू टॉपिक्स। आज हम पढ़ेंगे फिश में पैरेंटल केयर। देखो पैरेंटल केयर क्या होता है, इसे हिंदी में बोलते हैं पैतृक रक्षण। एक्चुअल में होता क्या है, माता पिता के द्वारा, किसके द्वारा, माता एवं पिता के द्वारा अंडों की सुरक्षा करना, क्या करना, सुरक्षा करना, या तो अंडों की या शिशुओं की, जब तक खुद अंडे या शिशु, यानी या तो अंडों में स्फुटन न हो जाए तब तक, या शिशु अपनी शिकारियों से और अन्य किसी भी विपदा से अपने स्वयं की सुरक्षा नहीं कर पाए। देखो प्रकृति का नियम है कि जो भी कमजोर होता है, जो असहाय होता है, उस व्यक्ति के पीछे कई लोग, यानी उसको नष्ट करने के लिए तत्पर रहते हैं। अतः प्रकृति के अंदर अंडों की, यानी हर प्रकार के जीवों के अंदर पेरेंटल केयर पाया जाता है। हम यहां पर एक स्पेशल फिश के अंदर पेरेंटल केयर की स्टडी करेंगे। अतः जो मछली वर्ग है, मछलियां किस प्रकार से, मछलियों के अंदर माता पिता यानी मेल और फीमेल अंडों में स्फुटन तक या यानी शिशु जब तक अपने स्वयं की सुरक्षा खुद नहीं कर ले, अपनी रक्षा करने में खुद सक्षम न हो जाए, तब तक माता पिता के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा उनकी सुरक्षा की जाती है, उनकी केयर की जाती है, जिसे हम किसमें उसे क्या बोलते हैं, पैतृक रक्षण, पेरेंटल केयर। अब कई प्रकार से देखो जिन फिशेज में, जिन एनिमल्स के अंदर अंडे कम दिए जाते हैं, अर्थात जिनमें अंडों की मात्रा कम होती है, उनमें अपने बच्चों यानी बर्थ की रेट को सक्सेस करने के लिए, जन्म की दर को सक्सेस करने के लिए उन अंडों की सुरक्षा की जाती है। जबकि जिनमें अंडे बहुत अधिक संख्या में दिए जाते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में दिए जाते हैं, उनमें पेरेंटल केयर नहीं होता। जिनमें अंडों की संख्या कम होती है या शुक्राणुओं की संख्या कम दी जाती है, उन जीवों के अंदर पेरेंटल केयर स्पेशली पाया जाता है। क्योंकि अगर अंडे, निषेचित अंडे अगर कम है तो उनके नष्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, किसी न किसी एनवायरमेंटल फैक्टर हो या कोई भी दूसरा एनिमल हो, शिकारी प्राणी हो या कोई भी अन्य फैक्टर वहां पर लागू हो सकते हैं। अतः उनकी सुरक्षा करना माता पिता का एक दायित्व बनता है और माता पिता उनकी तब तक सुरक्षा करते हैं जब तक उन अंडों से स्फुटन होकर शिशु बाहर नहीं निकल जाए, या शिशु की उस समय तक सुरक्षा की जाती है जब तक शिशु किसी भी शिकारी प्राणी से अपनी सुरक्षा स्वयं न कर ले। अब हर अलग अलग के, जैसे हम फिश का पढ़ेंगे, एम्फीबिया का पढ़ेंगे, हम सबसे पहले फिश का पढ़ रहे हैं, तो फिश में पेरेंटल केयर किस प्रकार से पाया जाता है हम उसकी स्टडी करेंगे। तो देखो लगभग आठ प्रकार, कितने प्रकार, आठ प्रकार से फिश के अंदर, मछलियों के अंदर पेरेंटल केयर के मेथड्स हैं, पैतृक रक्षण पाया जाता है। आठ प्रकार से इनमें पैतृक रक्षण करने का तरीका है। अब वो कौन कौन से हैं वो देखिए एक एक। फर्स्ट, जैसे नीड निर्माण, क्या नीड या घोंसला
नीड को क्या बोल सकते हम, घोंसला, ठीक है। इसे हम बोलते हैं नेस्ट, बिल्डिंग, इसे क्या बोलते हैं, नेस्ट बिल्डिंग। देखो कई मछलियां होती हैं, वो क्या करती है अपने किसी भी जैसे नदी के पैंदे में जाकर, जैसे नदी या समुद्र है उसके पैंदे में जाकर यहां पर कंकड़ पत्रों को हटाकर क्या करती है, या जो नीचे पत्ते होते हैं टूटे हुए पत्ते होते हैं उन पत्तों को चिपका कर, यानी कुछ मछलियों के यानी फुफ्फुस से क्या निकलता है, कुछ चिपचिपा पदार्थ निकलता है, उस चिपचिपे पदार्थ से पत्तों को एक दूसरे से पत्तों को चिपका कर वहां पर एक नेस्ट का फॉर्मेशन कर लेती है, घोंसले का निर्माण कर लेती है। जैसे हम पढ़ते हैं स्टिकल बैंक मछली फिश में, इसमें क्या करती है मादा और नर जोड़े बनाते हैं और मादा क्या करती है घोंसले का निर्माण करती है, ठीक है। और घोंसले का निर्माण करने के बाद भी मादा तो क्या करती है जैसे अंडे देती है, मादा तो अपने पंखों की सहायता से हिलाकर इनको हवा देती है और नर यहां पर उग्र होकर चारों तरफ चक्कर काटता है और उग्र के टाइम में इसका जो अधर भाग होता है देह का, अधर देह वो कैसी हो जाती है, लाल रंग की हो जाती है, कैसी हो जाती है लाल रंग की, अग्रेसिव हो जाता है, बहुत खतरनाक दिखाई देता है और इसके चारों तरफ ऐसे पैरादारी करता है और इसके पास में किसी भी अदर पर्सन को आने नहीं देता, क्योंकि अदर पर्सन यहां पर आ जाएगा तो क्या करेगा इसको नष्ट कर सकता है। अतः यहां पर पहरेदारी देके नर इसके चारों तरफ इस घोंसले के चारों तरफ अंडों की पहरेदारी करके सुरक्षा करता है। तो ये एक प्रकार है, ठीक है। सेकेंड अगर प्रकार हम पढ़े तो सेकेंड है अंडों के चारों ओर कुंडलन बनाना, अंडे के चारों ओर कुंडलन बनाना, अंडे के चारों ओर कुंडलन बनाना। जैसे सर्प होता है, सर्प अपने अंडों के चारों तरफ, जैसे ये अंडे पड़े हैं उनकी चारों तरफ ऐसे राउंड बनाकर बैठ जाता है, उसी तरह से अगर इसमें हम देखते हैं फोलिस नामक मछली, कौन सी मछली, फोलिस, एग्जांपल क्या है इसका, फोलिस फिश। फोलिस मछली का जो नर होता है इसमें कौन, मेल, मादा जो भी अंडे देती है, अंडे दे देती है तो इनके चारों तरफ ऐसे कुंडलन बनाकर बैठ जाता है, कुंडलन बनाकर रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, फोलिस मेल, जब तक सुरक्षा करता है, तब तक सुरक्षा करता है जब तक इन अंडों से स्फुटन होकर शिशु बाहर न निकल जाए, तो अंडों के चारों तरफ कुंडलन बनाकर रहता है, ये भी पैरेंटल केयर का तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका अगर देखें देह में आसंजन, तीसरा देह में आसंजन, देह में आसंजन, और इसका एग्जांपल क्या है, क्रूटस या न्यूगिनी फिश, न्यूगिनी फिश। ये क्या करती है अंडों को अपने सिर के ऊपर, यहां पर जैसे मान लीजिए ये सिर है तो यहां पर अंडों को स्थापित कर लेती है, चिपचिपे पदार्थ से यहां चिपका लेती है। तो किसमें होता है, न्यूगिनी फिश के अंदर किस प्रकार से पैरेंटल केयर पाया जाता है और तब तक रखा जाता है जब तक इन अंडों से स्फुटन होकर शिशु स्वतंत्र रूप से तैरना प्रारंभ नहीं कर दे, ठीक है। ये दोस्त तीसरा प्रकार है। फिर है चौथा प्रकार, अध्यावरणी प्यालों का निर्माण, अध्यावरणी प्यालों का निर्माण, निर्माण करके।
अध्याय ने पहले कहते थे एस्प्रेडा, एक फिश का नाम है, इसका एग्जांपल क्या होगा? एस्प्रेडा, एक फिश है एस्प्रेडा। एस्प्रेडा नामक मछली में जो मछली होती है इसमें निषेचित अंडे मादा के उधर भाग की जो एब्डोमिनल पार्ट होता है, कौन सा पार्ट? उधर भाग होता है जो मादा होती है, इसमें कौन करती है? मादा का उधर भाग में, उधर भाग की जो कोमल स्पॉन्जी स्किन होती है उसमें प्याले के आकृति का, किसकी आकृति का? एक प्याले की आकृति बन जाती है जिसमें अंडों को सुरक्षित रखा जाता है। अध्यावणी यानी एस्प्रेडा नामक जो मछली होती है उसकी जो मादा होती है, मादा का जो उधर भाग होता है उसमें एक प्याले नुमा उधर भाग में जो कोमल स्पॉन्जी स्किन होती है उसमें एक प्याले नुमा संरचना बन जाती है जिसमें अंडों को रखा जाता है। फिर आता है पांचवा प्रकार है मुख में आश्रय, मुख में आश्रय यानी कुछ मछलियां होती हैं, जैसे हम बात करें एरियस मछली, इसमें जो नर होता है, एरियस मछली होती है उसमें जो नर होता है मेल, कौन होता है? नर यानी मेल, वो क्या करता है? जो भी मादा अंडे देती है, निश्चित अंडे होते हैं, उन अंडों को माउथ में ले लेता है और माउथ में तब तक रखता है जब तक उन अंडों में स्फुटन की क्रिया न हो जाए। किसमें? एरियस मछली में, एग्जाम्पल है ये, ठीक है। छठा भ्रूण कोष्ठ, कोष्ठ इसे बोलते हैं ब्रॉड पाउच। हिप्पोकैम्प समुद्री घोड़ा का नाम सबने सुना है, समुद्री घोड़े के अंदर मादा जो प्राणी होती है वो नर का जो एब्डोमिनल पार्ट होता है वहां पर एक पाउच होता है, ठेले नामा नामक एक संरचना होती है जिसे कंगारू में बच्चे को रखने के लिए छोटा सा एक ठेले नुमा जिसे अनमेच्योर बेबी को रखा जाता है, कंगारू में थैली होती है मादा के। इसी तरह से हिप्पोकैम्पस, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? हिप्पो कैंपस, हिप्पोकैम्पस जो मछली आती है हिप्पोकैम्पस में मादा जैसे इसका डिजाइन कैसे होता है ऐसे, हिप्पोकैम्पस जो मछली आती है मादा क्या करती है नर के यहां पर छोटा सा एक पाउच होता है, उस पाउच उसके अंदर क्या देती है? मादा निश्चित अंडों को इसमें त्याग देती है, इसे क्या बोलते हैं? भ्रूणधानी, क्या बोलते हैं? भ्रूणधानी। और इसमें तब तक अंडों को रखा जाता है जब तक इन अंडों में स्फुटन क्रिया होकर यानी स्फुटन क्रिया के द्वारा शिशु बाहर न निकल जाए तब तक इसमें अंडों को रखा जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं? भ्रूण कोष्ठ या भ्रूण पाउच, ठीक है। सातवां जल परी के बटुए, जल परी के अगर बटुओं की बात करें, शार्क जो मछली आती है, शार्क अपने निषेचित अंडों को संरक्षित श्रृंगी कैप्सूल एग कैप्सूल में रख देती है, जैसे अपने पॉकेट आता है, अपने शर्ट में पॉकेट आता है, उसी प्रकार से उसकी स्किन में भी पॉकेट बन जाते हैं जिनके अंदर निषेचित अंडों को रखा जाता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? जल परी के बटुए, एग कैप्सूल भी कहते हैं इनको, क्या बोलते हैं? एग कैप्सूल, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? जल परी के बटुए कहते हैं।
ठीक है। और आठवां है, एट नंबर पे है, वीवी पेरिटी के द्वारा, किसके द्वारा, वीवी पेरिटी, कुछ मछलियों के अंदर निषेचन की क्रिया आंतरिक होती है, आंतरिक निषेचन होता है, टू एंड जायगोट का फॉर्मेशन, निषेचित अंडे को मादा अपने गर्भाशय में रखती है और गर्भाशय में रखने के पश्चात उस अंडे में स्फुटन की क्रिया माता के गर्भाशय के अंदर ही होती है, अतः उन जीवों में क्या पाई जाती है, वीवी पेरिटी। और उन अंडों के जो पोषण, उन एम्ब्रियो को जो पोषण मिलता है, योक सैक प्लेसेंटा जिसे हम बोलते हैं, उस प्रकार की प्लेसेंटा भी इनमें पाई जाती है। ठीक है, ये इस प्रकार से इनके अंदर, इनको किसी भी प्रकार से बाहर सुरक्षा करने की जरूरत नहीं होती है। इनसे जो शिशु मां के गर्भाशय से बाहर निकलते हैं, जो फीमेल फिश होती है उनके गर्भाशय से जो बाहर निकलते हैं, उनके अंदर इसी प्रकार शिशु ही जन्म लेते हैं, जिस प्रकार से मैमल्स के अंदर शिशु जन्म लेते हैं, उनको किसी भी प्रकार की पेरेंटल केयर की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उनको उनमें अंडों को मां के गर्भाशय में रखा जाता है, वहीं पर उनमें स्फुटन होता है, और जो मां के गर्भ से बाहर निकलता है तो वो शिशु ही बाहर निकलता है, जो फ्री स्विमिंग कर सकता है, अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकता है। तो इस प्रकार से मछलियों के अंदर आठ प्रकार से पेरेंटल केयर पाई जाती है। कितने प्रकार से पेरेंटल केयर पाई जाती है, आठ प्रकार से, आठ तरीके हैं। इन आठ तरीकों से पेरेंटल केयर का प्रोसेस कंप्लीट की जाती है। पहला नीड निर्माण, घोंसला का निर्माण, दूसरा अंडों के चारों ओर कुंडलन बनाना, एग्जांपल के तौर पर फुलिस फिश, फिर देह पे आसन जो न्यू गिनी फिश में ये पाया जाता है, अध्यारोपित प्यालों का निर्माण, एस्प्रेडा का एग्जांपल दिया मैंने, मुख में आश्रय एरियस मछली में दिया मैंने आपको, ब्रूड पोस्ट ब्रॉड पाउच हिप्पोकैम्पस समुद्री घोड़ा जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और जलपरी के बटवे शार्क है, शार्क के अंदर इस प्रकार का पाया जाता है, ठीक है। और जो वीवी पेरिटी है ये स्कूली और डॉग फिश, किसमें, डॉग फिश जिसे हम क्या बोलते हैं, स्कोलियोडॉन के अंदर इसी प्रकार का वीवी पेरिटी पाई जाती है। ये अपना जो लेसन था बायोलॉजी कोडिटा में थर्ड यूनिट के अंदर एंड फिश में पेरेंटल केयर ये अपना कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एम्फीबिया के अंदर पेरेंटल केयर के बारे में स्टडी करेंगे कि एम्फीबिया में किस प्रकार से पैतृक रक्षण पाया जाता है, किस कितने प्रकार है, डायरेक्ट कैसे होता है, इनडायरेक्ट कैसे होता है, ठीक है। जय हिंद।